ईरान ने 48 घंटे का युद्ध लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। 48 घंटे में ईरान 200 मिसाइल फायर करना चाहता है। 48 घंटे में ईरान अब इजराइल को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। ईरान ने इस युद्ध के लिए एक बड़ी तैयारी की है। इस तैयारी का वीडियो जब से इजराइल पहुंचा है तब से नेतन्याहू के सभी कमांडर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। ईरान ने फैसला कर दिया है। ईरान ने ताकत की नुमाइश शुरू कर दी है। ईरान ने ऐसी फायर पावर दिखानी शुरू कर दी है जिसकी जद में जो आएगा वो मिटा दिया जाएगा। ईरान बताना चाहता है कि इजराइल से वो टक्कर लेने के लिए तैयार है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि ईरान अब इजराइल से युद्ध करना चाहता है? क्योंकि गाजा से युद्ध निकलकर बाहर फैला तो खतरा तीसरे विश्व युद्ध का जताया जा रहा है, जिसकी आग में पूरी दुनिया जलेगी। ईरान पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है। इजराइल से लेकर ब्रिटेन और रूस से लेकर अमेरिका तक सब ईरान के इस फायर पावर पर नजर गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि इन धमाकों, इन रॉकेट्स और इन टैंकों के टारगेट पर इस वक्त दो देश हैं। पहला है इजराइल और दूसरा है उसकी मदद करने वाला अमेरिका। इन दोनों देशों से दुश्मनी की सबसे नई वजह इस वक्त गाजा है और वहां हो रही बमबारी। गाजा में इजराइल की बमबारी की वजह से 8,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कब्रिस्तान नहीं बचे हैं, लोगों को एक साथ दफनाया जा रहा है। गाजा की हजारों इमारतें इजराइल के बम से तबाह हो चुकी हैं। गाजा में 21,000 से ज्यादा लोग घायल हैं और गाजा का हर अस्पताल इस वक्त बुरी तरह जख्मी लोगों के इलाज में जुटा हुआ है। इन्हीं तस्वीरों की वजह से इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में गुस्सा है और इजराइल को बहुत बड़ी वार्निंग भी दे दी गई है। तुर्की ने कहा है कि इजराइल गाजा पर बमबारी वाला पागलपन बंद करे। राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि अमेरिका के बिना इजराइल की सेना 3 दिन में ढह जाएगी। सऊदी अरब ने कह दिया है कि इजराइल गाजा में घुसने की कोशिश न करे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान की तरफ से सबसे सख्त बात कही गई है। राष्ट्रपति रईसी ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल की हुकूमत गिरने वाली है। कुल मिलाकर एक बात साफ है कि इजराइल गाजा पर नॉनस्टॉप बमबारी की वजह से पूरे पश्चिम एशिया में घिर चुका है। ईरान और सऊदी अरब की तरफ से तल्ख बातों के बाद अब तुर्की भी इजराइल के खिलाफ उतर चुका है। सवाल है कि क्या ये तीनों देश इजराइल के खिलाफ एक्शन को लेकर वाकई गंभीर हैं, या फिर ये सिर्फ एक गीदड़ भपकी है। چند هزار کودک را بکشند. آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، رژیم صهیونیستی. ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों को डराने के लिए एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में ईरान की सेना ने 200 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है। ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर के कमांडो ने इस्फहान के पास अपनी पूरी ताकत दिखाई है। इतने हेलीकॉप्टर एक साथ लॉन्च करने का मतलब युद्ध ही होता है। इसमें ईरान के कोबरा हेलीकॉप्टर भी शामिल हुए। यानी मैसेज साफ है, ईरान बताना चाहता है कि अपनी तरफ बढ़ती सेनाओं के खिलाफ कमांडो ऑपरेशन शुरू करेगा। 200 हेलीकॉप्टर के साथ ईरान अपनी क्विक रिएक्शन फोर्स का प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि अब नए जमाने की युद्ध में तेजी से हुई कार्रवाई ही निर्णायक साबित होती है।
एक बड़ी कमांडो टीम को कैसे दुश्मन के इलाके में उतारना है ये भी दिखाया गया। अमेरिका में बने C-130 हरकुलिस विमान के जरिए कमांडोज को कैसे दुश्मन के इलाके में भेजना है इसकी भी तैयारी दिखाई गई। लेकिन सबसे खतरनाक मैसेज ईरान की ड्रोन पावर है। यूक्रेन में शाहिद ड्रोन की कयामत वाली कार्रवाई के बाद अब ईरान कॉम्बैट ड्रोन में सुपर पावर बन चुका है। ड्रोन से मिसाइल कैसे फायर करनी है, दुश्मन पर कैसे पिन पॉइंट अटैक करना है, ये भी ईरान के इस युद्धाभ्यास में दिखाया गया। इसके बाद बारी आई है टैक्टिकल मिसाइल, यानी छोटी दूरी पर दुश्मन के टुकड़े पर कैसे सटीक हमला करके हाहाकार मचाना है। ईरान इसका भी एक्सपर्ट बन चुका है। ये सब हथियारों को इसराइल के बॉर्डर तक ले जाना ईरान के लिए आसान नहीं, लेकिन एक तरह से ये युद्धाभ्यास करके ईरान अपने दुश्मनों को बता रहा है कि अगर उसे अपनी जमीन पर युद्ध लड़ना पड़ा तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। वैसे ईरान बार बार कह चुका है कि गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो इसका मतलब युद्ध होगा और तब उसे रोकने वाली कोई ताकत नहीं बचेगी। ईरान के तेवर देखकर नेतन्याहू की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। नेतन्याहू ने कहा है कि 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के पीछे ईरान है। इस बारे में वो पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते। देखा जाए तो एक तरह से नेतन्याहू ने ईरान को क्लीन चिट दे दी है। ईरान तुमखत बखमास אני חושב שזה 90% בערך מהתקציב הצבאי של חמאס בא מאיראן, היא מממנת, היא מארגנת, היא מנחה, היא מדריכה. אני לא יכול להגיד לך בהכרח שבפעולה הספציפית הזאת, ברגע הספציפית הזה, הם היו שותפים למיקרו-תכנון, אבל זה שהם מגבים את מכונת המלחמה של החמאס, הם מקיימים אותה, בלי הפיגומים האלה אין חמאס, כמו שאין חיזבאללה. सवाल ये भी उठता है कि ईरान से युद्ध को लेकर क्या इजराइल बैकफुट पर आ चुका है और वो ईरान से ये भी कहना चाहता है कि वो भी गाजा से दूर रहे। और अब ईरान भी अपनी जनता को खुश करने के लिए इजराइल के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी पर फोकस कर रहा है। साथ में वो युद्धाभ्यास के वीडियो भी जारी करके बताना चाहता है कि ऑल इज वेल। ऐसे में सवाल है कि जब ईरान के लिए ये हथियार इजराइल के बॉर्डर तक पहुंचाना आसान नहीं तो फिर गाजा को कौन बचाएगा। क्या गाजा को खुद को बचाना होगा? क्या गाजा के लिए युद्ध की धमकी वाले बयान सिर्फ और सिर्फ दिखावा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इसराइल की सेना ने रात के दौरान चलाए गए ऑपरेशन के दौरान गाजा में कार्रवाई की है। हालांकि उसे शुरुआती झटकों के बाद समझ में आ गया कि गाजा में टिक कर ऑपरेशन करना उसके लिए आसान नहीं होगा। ये गाजा की तरफ बढ़ती इसराइल के सैन्य काफिले का वीडियो है जो 7 अक्टूबर का बताया जा रहा है। तब हमास की एक एंटी टैंक मिसाइल ने इसराइल की पैंथर बख्तरबंद गाड़ी को टारगेट किया था। इस धमाके का क्या असर हुआ इसकी रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन पैंथर बख्तरबंद गाड़ी में 12 से 14 सैनिक सवार किए जाते हैं। میدان رهاورد مردان با ایمان است نه مردان سوس عنصری که احرس الناس علی حیاتند حریصترین مردم به زنده بودن همین صهیونیست ها هستند। गाजा में बमबारी के बीच एक बड़ा हॉटस्पॉट इसराइल और लेबनन का बॉर्डर बनता हुआ नजर आया, लेकिन अब उत्तरी इसराइल की तरफ लेबनन बॉर्डर पर हिजबुल्ला के हमलों में भी नई धार देखने को मिल रही है। अपने 40 से ज्यादा लड़ाकों को खोने के बाद हिजबुल्ला ने इसराइल की पोस्ट पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला तो किया, लेकिन अब तक वो इसराइली फौज का कुछ खास नहीं बिगाड़ पाया है। इसलिए सवाल यहाँ भी उठता है कि क्या गाजा पर इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर हिजबुल्ला के तेवर भी ठंडे पड़ गए। इन सब कयासों और सवालों के बीच हिजबुल्ला ने एक बहुत ही छोटा सा वीडियो जारी किया है जिसमें हिजबुल्ला के महासचिव हसन नसरुल्ला को जाते हुए पीछे से दिखाया गया है। सामने हिजबुल्ला का झंडा लगा है। इस 12 सेकंड के वीडियो को फिर देखिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि हिजबुल्ला ने इस वीडियो के जरिए इसराइल पर बड़े हमले की तरफ इशारा कर दिया है।
ईरान भी अपनी तैयारी पूरी रखना चाहता है। ईरान ने युद्धाभ्यास में अपने तोपखाने की ताकत भी दिखाई है। ये है ईरान की चलती फिरती तोप, नाम है राद 2। ईरान की ये तोप 155 मिलीमीटर का गोला फायर करती है। देखिए कैसे टारगेट को लेकर तैयारी की गई और फिर जब इस तोप ने गोला दागा तो वो कितनी सटीक जगह जाकर गिरा। ईरान की ये तस्वीरें इसराइल को डराने के लिए है। क्योंकि गाजा में बड़ी तबाही हो रही है, गाजा में इसराइल के बम फट रहे हैं, उत्तरी गाजा का कोई मोहल्ला, कोई गली बाकी बची नहीं जो इसराइल के धमाके से गूंजी ना हो। गाजा ने इतनी लाशें पहले भी देखी लेकिन इस बार तबाही का मंजर और ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। पूरे गाजा में इस वक्त बारूद फैला हुआ है, पूरे गाजा में इस वक्त बारूद की बू आ रही है। यहाँ की आबो हवा में बारूद घुल चुका है। इसराइल का दावा है कि उसकी एयरफोर्स गाजा पर रोज 300 से ज्यादा स्ट्राइक कर रही है लेकिन गाजा से दूर दुनिया में दो जगह इस युद्ध को कंट्रोल करने के लिए दो वॉच टावर तैयार हो चुके हैं। एक है भूमध्य सागर जहां अमेरिका ने समुद्री बेड़े तैयार कर दिए हैं, तो दूसरा है वारस की खाड़ी जहां चीन ने अपने 6 जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। एक तरफ अमेरिका इसराइल को बचाने पहुंच गया है तो दूसरी तरफ चीन की तैनाती बताती है कि उसने ईरान को सुरक्षित रखने के लिए अपनी मसल पावर दिखानी शुरू कर दी है। चीन की नौसेना अभी तक दक्षिण चीन सागर में अपनी ताकत दिखाती आई है लेकिन इस बार फारस की खाड़ी में चीन के 6 जंगी जहाजों का पहुंचना बताता है कि गाजा और फिलिस्तीन का युद्ध अब दुनिया की सबसे बड़ी टक्कर में बदल सकता है। चीन की मौजूदगी भी ईरान का हौसला बढ़ा रही है। फिलहाल हर जगह ईरान के ऐसे ही वीडियो की चर्चा हो रही है और सब ये जानना चाहते हैं कि ईरान अब गाजा पर बमबारी को लेकर इसराइल के खिलाफ क्या कर सकता है। सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि ईरान नहीं चाहेगा कि ये युद्ध उसकी जमीन तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा एक्शन हिजबुल्लाह की तरफ से हो, लेकिन फिर भी उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली है क्योंकि इसराइल पर ईरान का हमला हुआ तो उसे रौंदने के लिए अमेरिका की 40,000 सेना पहले से ही खाड़ी देशों में मौजूद है।